ब्रेन मनुष्य का मस्तिष्क झुर्रीदार सतह युक्त बड़ी तर बतर गुलाबी स्लेटी अखरोट जैसी दिखाई देने वाली संरचनाएं होती हैं। व्यस्क मनुष्य में मस्तिष्क का भार कुल शरीर के भार का लगभग 2% होता है। मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया गया है, अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन यह निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित होता है, टीलेंसेफेलॉन और डायनेसेफेलॉन। प्रमस्तिष्क सेरेब्रम यह मस्तिष्क का प्रमुख तथा सबसे बड़ा भाग है, जो ऊपर से गुंबज की तरह तथा नीचे से समतल होता है। प्रमस्तिष्क का बल्की भाग ग्रे मैटर का तथा भीतरी भाग व्हाइट मैटर का बना होता है। मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क यह प्रमस्तिष्क के नीचे तथा पश्चिम मस्तिष्क के ऊपर स्थित होता है। इसमें ब्रेन स्टेम भी पाया जाता है और यह व्रंथ के समीप लाल केंद्रक यानी रेड न्यूक्लियस भी पाया जाता है। हिंड ब्रेन पश्चिम मस्तिष्क इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, मेटेनसेफेलॉन और मायलेनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन यह पश्चिम मस्तिष्क का ऊपरी भाग होता है, जो 2 भागों का बना होता है, पॉन्स तथा सेरेबेलम। मायलेनसेफेलॉन इसके अंतर्गत मेड्यूला ऑब्लोंगेटा नामक भाग आता है, इसे मेड्यूला भी कहते हैं। Thank you.